हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, और इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी चैप्टर नंबर सेकंड की। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे कि जैसे इससे पहले वाला जो लेक्चर था वायरस का ही था, वायरस का पार्ट वन लेक्चर था जिसमें हमने उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसका स्ट्रक्चर देखा था। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, वायरस कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। ओके, तो वायरस की अगर बात करें तो वायरसेस को इनके न्यूक्लिक एसिड, देखिए वायरस का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उनका साइज सेफ हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आउटर इनवेलप के बेसिस पे हम उसे कर सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड वायरसेस के बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं या कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस इज बेस्ड ऑन, जो वायरसेस का क्लासिफिकेशन है किस चीज पे बेस्ड है। एक मिनट रुकिएगा, वायरसेस का जो क्लासिफिकेशन है, वायरस का क्लासिफिकेशन है वो चार चीजों पे डिवाइड है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहला टाइप है क्या, टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंक्लूडिंग वेदर इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वायरसेस को हम इस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि उसमें टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है, या तो उसमें डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, दोनों एक साथ नहीं पाया जा सकते। अच्छा, अगर मान लीजिए डीएनए पाया जा रहा है या आरएनए पाया जा रहा है तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है, इस बेसिस पे हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि देयर साइज एंड शेप, उसके साइज और उसके शेप के बेसिस पे हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ आउटर एनवेलप, जो आउटर एनवेलप होता है प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन का, उसके बेसिस पे भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो पहला क्लासिफिकेशन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल और जीनोम, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वायरसेस हैज बीन या हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पे अगर डिवाइड करना चाहें तो दो तरह के वायरस होते हैं, डीएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस होता है। ओके, तो डीएनए वायरस की अगर हम बात करें तो दीस वायरसेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, दोज विच हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनके पास क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब उसका एग्जांपल क्या क्या है कि जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड जिसमें डीएनए पाया जाता है, हर्पीज वायरस हो गया इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और चिकन पॉक्स इसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ओके, अब दूसरा देखिए, तो विच हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और पसेस आर। अब देखिए यहाँ दो तरह के कैटेगराइजेशन हो गए, एक तो डीएनए वायरस हो गए, आरएनए वायरस। अगर डीएनए वायरस में हम देखेंगे तो वो सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है। अगर डबल स्टैंडर्ड है तो उसमें उसका एग्जांपल कौन कौन है, स्मॉल पॉक्स हो गया, हर्पीज वायरस हो गया और चिकन पॉक्स हो गया। ओके, अगर सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें, या उसे हम शॉर्ट में कहते हैं एसएसडीएनए, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, एडिनो वायरसेस जो होते हैं, एडिनो एसोसिएटेड वायरसेस जो होते हैं वो वायरस हो गए। ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा इसमें। और दूसरा है 5 × 174, ये भी एक प्रकार का वायरस है जो क्या होता है, एसएसडीएनए होता है। इसमें क्या होता है, एसएसडीएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे देखें, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस को हम फर्दर चार डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं या करते हैं। पहला टाइप देखिएगा, दोज विच हैव सिंगल स्टैंडर्ड एंटी सेंस आरएनए। कुछ ऐसे आरएनए वायरसेस होते हैं जिनके पास क्या होता है कि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और एंटी सेंस आरएनए पाया जाता है।
अब एंटी सेंस आरएनए का मतलब क्या है, आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मैसेज सेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज निगेटिव स्टैंडर्ड डीएनए। इसके एग्जांपल क्या हो गया, मेजल्स हो गए, इबोला वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, मम्स हो गया, मम्स जिसको हिंदी में गलसुआ कहते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये कैसे वायरसेस हैं, सिंगल स्टैंडर्ड एंटी सेंस आरएनए होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द मैसेज सेंस। ओके, इनका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया आरएनए वायरस का, सिंगल सॉरी आरएनए का मेजल्स हो गया, इबोला वायरस हो गया, रेबीज वायरस हो गया, मम्स हो गया और इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि दोज वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड सेंस आरएनए, दैट इज द आरएनए हैज मैसेज सेंस। ऊपर क्या था कि जिनके पास कॉम्प्लीमेंट, वो क्या थे, कॉम्प्लीमेंट मैसेज सेंस थे, या मैसेज सेंस जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट होते हैं। बट अगर हम दूसरा टाइप देखें, दोज विच हैव सिंगल स्टैंडर्ड सेंस आरएनए, है ना, वहां पे क्या था, एंटी सेंस आरएनए, यहाँ पर क्या है, सेंस आरएनए, दैट इज आरएनए हैज अ मैसेज सेंस, मतलब कैन एक्ट एज अ मैसेंजर आरएनए, या इसे हम कह सकते हैं एमआरएनए की तरह बिहेव कर सकता है। ओके, आगे देखेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव स्टैंड आरएनए, इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्टैंड आरएनए कहते हैं। अगर आरएनए वायरसेस की बात करें, ऊपर जो हमने देखा था पहला पार्ट जिसमें एंटी सेंस आरएनए पाया जाता, वो क्या था, वो निगेटिव सेंस आरएनए था। ओके, अब इसके एग्जांपल पे अगर देखें तो पोलियो वायरस हो गया, रुबेला हो गया, डेंगू वायरस हो गया और येलो फीवर, ये दोनों इसके एग्जांपल हो गए। ओके, फिर ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव स्टैंड आरएनए हो गया, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पोलियो वायरस हो गया, रुबेला हो गया, डेंगू हो गया और येलो फीवर हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, दोज विच हैव सेवरल पीसेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए, कुछ ऐसे आरएनए वायरसेस होते हैं जिनके पास क्या होता है, स्मॉल 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 पीसेस होती हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की, जैसे रियो वायरसेस हो गए, सेवरल प्लांट वायरस हो गए, ये क्या है, इनके पास क्या होता है, सेवरल पीसेस होते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए की। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेट्रो वायरसेस, रेट्रो वायरस क्या होते हैं, देयर आरएनए आल्सो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है ये, और इट इज कॉपीड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनटू द डीएनए जीनोम विद इन द होस्ट सेल, और इसका एग्जांपल क्या हो गया, रेट्रो वायरसेस का, जैसे एचआईवी का वायरस हो गया, एचआईवी 1 हो गया, एचआईवी 2 हो गया और एचटीएलवी वायरसेस हो गए। ठीक, तो ये भी क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है और ये क्या करते हैं, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा ये क्या करते हैं, कॉपी किए जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे, एक टर्म बहुत ही फेमस टर्म है वायराइड्स, वायराइड्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो वायराइड्स की अगर बात करें, दीज आर वेरी स्मॉल एंड नेकेड पीसेस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड विच आर हाईली इन्फेक्शियस। तो वायरसेस जो वायराइड्स के होते हैं, ये क्या होते हैं, नेकेड पीस होते हैं, स्मॉल नेकेड पीसेस होते हैं, किसके, न्यूक्लिक एसिड से, और ये क्या होते हैं, बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस होते हैं या इन्फेक्टिव होते हैं। ओके, अनलाइक वायरसेस दे हैव नो सराउंडिंग प्रोटीन कोट, तो इनके पास क्या होता है, कोई प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता है वायरसेस की तरह। दीज वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय द टीओ डाइनर, तो टीओ डाइनर ने सबसे पहली बार रिपोर्ट किया किसको, वायरॉइड्स को, कब किया था, 1971 में, और इसको इन्होंने क्या बताया, इट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो पोटैटो में, आलू में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है वो किसके कारण होती है, वायरॉइड्स की तरह कारण होती है। इसको किसने डिस्कवर किया था, टीओ डाइनर ने, कब किया था, 1971 में। ओके, टिल डेट
ऑल द वायराइड्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड आर आरएनए पार्टिकल एंड कास्ट डिजीज इन प्लांट. द आरएनए ऑफ द वायराइड्स हैज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट. अच्छा, अभी तक जो ये वायराइड्स पाए गए हैं उनमें क्या देखा गया कि उनमें आरएनए पार्टिकल ही पाया जा रहा है, और ये क्या करते हैं, प्लांट में डिजीजेस कास करते हैं. द आरएनए वायराइड्स हैज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट. और जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है, आरएनए वायराइड्स होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बहुत ही लो होता है. ओके, आगे इसी में देखेंगे. वायराइड्स डज नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन. ये किसी भी प्रोटीन को बनाने में हेल्प नहीं करते. एंड आगे देखेंगे, द रेप्लीकेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व आरएनए पॉलीमरेज. सेकेंड, जो रेप्लीकेशन मैकेनिज्म होती है उसमें कौन भाग लेता है, आरएनए पॉलीमरेज. सेकेंड वो क्या है, ये क्या होता है, एन एंजाइम नॉर्मली एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए व्हिच इंस्टेड कैटालाइजेस रोलिंग सर्कल सिंथेसिस ऑफ द न्यू आरएनए यूजिंग द वायराइड्स आरएनए एज अ टेम्पलेट. तो ये क्या, इन्होंने क्या देखा कि ये क्या होते हैं, ये इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यूज होता है अगर रेप्लिकेशन की बात करें, और ये एक ऐसा एंजाइम है जो एसोसिएट होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मैसेंजर आरएनए या सिंथेसिस ऑफ द मैसेंजर आरएनए जो होती है फ्रॉम द डीएनए, उसमें ये क्या होता है, ये भाग लेते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रायॉन्स. प्रायॉन्स क्या होते हैं, प्रायॉन्स आर इन्फेक्शियस एजेंट दैट आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड प्रोटीन मॉलिक्यूल. ये किस चीज के बने होते हैं, अनफोल्डेड सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल के बने होते हैं. द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रायॉन्स इज डिबेटेबल. इनका एग्जिस्टेंस अभी कंफर्म नहीं है, इस पे चर्चाएं चल रही हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू अवेलेबल नॉलेज कंटेन नो न्यूक्लिक एसिड. इनके पास कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है. एंड द मास ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज अबाउट, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है उसका मास कितना है, 27,000 से लेकर 30,000 डाल्टन तक पाया जाता है. एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 145 अमीनो एसिड विद इन विद ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइलेशन एट अ सो सेम सम पॉइंट. ओके, तो प्रायॉन्स क्या हो गया, प्रायॉन्स से एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं मैड काउ डिजीज. याद रखिएगा, मैड काउ डिजीज. तो ये हमने देख लिया वायरसेस के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थर्ड की. ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही. अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा. ओके, थैंक यू. और ये डायग्राम जो है एक बार देख लीजिएगा, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ओके, जैसे क्या होता है, ये मान लीजिए डीएनए है, वायरस है, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन कैप्सिड पाई जाती है, कैप्सिड की प्रोटीन कोड पाई जाती है. और यहाँ पे क्या होता है, आरएनए कॉइल्स हैं, ये आरएनए के कॉइल्स हैं. और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, इसके ऊपर चारों ओर कैप्सोमेयर पाए जाते हैं. ये किसका, कौन सा वायरस है, टीएमवी है, टोबैको मोजैक वायरस है. नीचे देखिए, बैक्टीरियोफेज बना हुआ है, बैक्टीरियोफेज का ये हेड होता है, यहीं पे इसका डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है. और उसके निचला जो भाग है उसे कॉलर कहते हैं, जो इसको हेड को सपोर्ट करता है. उसके नीचे उसके साइड में क्या होता है, सीथ होता है. ये जो होते हैं टेल फाइबर लगे होते हैं जो बैक्टीरियोफेज के लोकोमोशन में और ट्रांसडक्शन में हेल्प करते हैं. जब ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर अपना जेनेटिक मटेरियल छोड़ने के लिए या इंजेक्ट करने के लिए जाता है तो इसमें जो टेल फाइबर्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ओके, थैंक यू.